بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ناظرين आज के इस नई مجلس में आपके सामने जो एक सच्चा वाकया मैं रखने जा रहा हूं उसका عنوان रखा है गैब से रोजी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा हो अबी व उम्मी का बयान करदा एक सच्चा वाक़ है जिसे इमाम अहमद हम्बर रहम् अपनी किताब मुस्ंद अहमद में इमाम तबरानी रहमल अपनी किताब मज़म के अंदर हज़रत अबूर रजी अल्लाह तू से नकल फरमाते हैं आप सल्हसम का इरशाद है कि पिछले ज़माने में यानी बनु इसराइल के अंदर एक मियाँ बीवी रहते थे उनकी ज़िंदगी बड़ी तंगी की थी परेशानी की हालत में उनके अयाम गुजर रहे थे इन्हीं हालात में एक दिन शोर कहीं बाहर गया हुआ था सफर पर या कहीं किसी अपनी जरूरत के लिए बाहर निकला हुआ था जब घर आता है तो चक्की उसकी चल रही है और आटा गिर रहा है न कोई चक्की चलाने वाला है न चक्की में कोई दाना डालने वाला है लेकिन चक्की चल रही है और आटा गिर रहा है और दूसरी तरफ तंदूर जिसमें उसने आग जलाई थी अब वो देखती है कि बकरी की रान और टांगें उसके अंदर भुनी जा रही है उसने जल्दी जल्दी तंदूर से बकरी की टांगों को निकाला और रोटी पकानी शुरू कर दी और उसमें रोटी डाला इतने में उसका शौहर आता है तो वो कहती है कि अल्लाह तबारक तआला ने रोजी का बहुत बड़ा इंतजाम कर दिया है शोहर ने कहा कि आखिर अब तक तो घर में कोई चीज़ नहीं थी आखिर यह चीज़ मैसर कहाँ से आई तो उसने वाक़ बयान किया और चक्की के चलने को उसने दिखाया कि चक्की चल रही है और आटा गिर रहा है शोहर को तजुब हुआ और उसने ये सोचा कि जरा हम देखें कि आटा आ कहाँ से रहा है चक्की को जैसे उठाता है तो अब आटे का गिरना बंद हो जाता है नबी करीम सल्ला ने यहाँ पहुँच करके फरमाया अल्लाह की कसम अगर वो उस चक्की को न उठाता तो क़ियामत तक उससे आटा निकलता रहता और लोग उससे मुस्तफ़ होते रहते हाल इस पर उस मिया बीवी ने अल्लाह तबारक वाल का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तबारक ने अल्लाह के बारे में उनके हुस्न गन और अपनी दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व उन्हें गैब से रोजी से नवाज दिया है ये एक वाकया है जो असादकमस्दूक नब करीम सल्लल्लाहु सल्लाम का बयान करदा है अब हमें ये देखने की जरूरत है कि आखिर इस वाक़े से हमारे और आप के लिए इल्मी तौर पर तरबियती तौर पर हमारी आप की इस्लाह के लिए हमें और आपको क्या फायदे हासिल होते हैं देखिए इस वाक़े से जो सबसे अहम फायदा हमें और आपको हासिल हो रहा है वो ये कि अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदे सिर्फ इसी उम्मत मुस्लिमा के साथ खास नहीं हैं अल्लाह के अलिया सिर्फ इसी उम्मत मुस्लिमा में नहीं पाए जाते बल्कि अगर देखा जाए तो इससे पहली उम्मत के अंदर अल्लाह तबारक तआला के बहुत से नेक बंदे गुजरे हैं बल्कि हो सकता है कि खालिस नेक बंदों और अपनी नेकी में चोटी को पहुंचने वाले लोग इस उम्मत से ज्यादा रहे हों तभी तो अल्लाह तबारक वतला फरमाता है सुलतु मिनलाना वकलीलुमिन आखरीन सुलतु मिनलावलिया वकलील उमिन आखरीन यानी जो दाएं हाथ वाले हैं असाबून साबून हैं इनकी तादाद सुल्लतुम उली पहले जो गुजशत लोग हैं पिछली उम्मत के जो लोग हैं उनमें उनकी एक बड़ी जमात है आखिरीन और आखिर में आने वाले जो लोग हैं उनमें से थोड़े हैं और इस बड़ी तादाद होने की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि उनमें अल्लाह तबारक व तारा के अम्बियों का भी शुमार है जिनकी तादाद एक लाख चौबीस हजार बताई जाती है अम्बिया के ऊपर ईमान लाने वाले अवलिन लोगों में जिन्हें सिद्दीक कहा जाता है उनका भी शुमार है और अम्बिया की खिदमत के लिए अम्बिया की मदद के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले शहदा का भी शुमार है दूसरा बड़ा अहम फायदा इस हदीस से यह हासिल हो रहा है जैसा कि अहले सुन्नत व जमात का यह अकीदा है कि वलियों की करामत बरहक है अल्लाह तबारक वाला अपने वलियों को अपनी तरफ से करामत और खारिक आदत यानी यानी एक ऐसी चीज़ जो आम हालात में नहीं पाई जाती ऐसे अमूर से नवाजता है जिससे अल्लाह तबारक व ताल का मकसद उनकी मदद होती है अल्लाह तबारक वाल उनसे उनकी दिल जोई करना चाहता है अल्लाह तबारक व ताल उनसे उनके ईमान को मजीद तकवीत देना चाहता है इसी तरीके से अगर ये शायद ये देखा जाए तो ये करामत और अजीब व गरीब चीज़ों का ूर जो पिछली उम्मतों में हुआ है खूस बनु इसराइल में वो इस उम्मत के मुकाबले में बहुत ज्यादा रहा है अल्लाह तबारक वाले बन के अंदर बहुत से ऐसे अजायब का है जो इस उम्मत के अंदर उतने अजायब का इहार नहीं है इसीलिए नबी करीम सलम का हुक्म है सही हदीत के अंदर कि आप सल्लम ने इर्शाद फरमाया बनु इसराइल के वाकयात बयान किया करो इसमें कोई हरत की बात नहीं है नफीहिम कानतिल आजीब इसलिए कि उनके अंदर बड़ी अजीब चीजें पेश आया करती थी जो इस उम्मत के अंदर पेश नहीं आती तीसरा अजीम फायदा जो हमारे और आपके लिए अकीदे के तौर पर भी जरूरी है और इस पर हमें और आपको अपनी तरबियत और अपने आप को इसके लायक बनाना चाहिए वो ये चीज है कि अल्लाह तबारक वाले के साथ हुसन वन यानी हम अल्लाह तबारक वाले के बारे में ये वन रखें ये गुमान रखें कि अल्लाह तबारक वाला हमसे जिन चीजों का वादा किया है गैर से हमें रोजी देने का वादा किया है हमारी मदद का वादा किया है अल्लाह तबारक तआला ने अगर हम तखवा इख्तियार करें तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपनी बरक़ात के नजूल का इंजाल का वादा किया है ये चीज़ें बरहक हैं और ये चीज़ हो करके रहेगी यही चीज़ है हुसन जन जो एक मोमिन की सिफात में है बल्कि एक मोमिन के लिए ज़रूरी है और इसके बरखिलाफ अल्लाह तबारक तआला के बारे में सुवेदन और बदजनी का शिकार होना ये एक मोमिन की शान नहीं है बल्कि मुनाफिक की शान है लेकिन ये बात हमेशा जहन में रखना चाहिए कि हुसन वन का माना यह है कि अल्लाह तबारक तआला जिन असबाब के इस्तेमाल करने का हमें और आपको हुक्म देता है जिन कामों का हमें और आपको हुक्म देता है जिस चीज की हमें और आपको तरगीब देता है हम उसके ऊपर अमल करें उसके बाद अल्लाह तबारक तआला के बारे में हुस्न नजर रखें मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक ने हमें और आपको रोजी हासिल करने के लिए तगोद करने उसके लिए असबाब तलाश करने उसके लिए मेहनत करने का अल्लाह तबारक हुक्म दिया है हम उन तमाम जायज कोशिशों को अपनाएं उन तमाम जायज चीजों को अमल में लाएं फिर उसके बाद अल्लाह तबारक तआला से हुसनजर रखें अल्लाह तबारक तआला अपने वादे को पूरा करेगा और अपने बंदों को नवाजेगा इन अल्लाह के रसूल वो हदीस जो अबू तआला अब से सही बुखारी और सही मुस्लिम में मरवी है कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक तआला फरमाता है गोया कि ये हदीस कु है अल्लाह फरमाता है अना इंद मैं अपने बंदे के अच्छे गुमान के मुताबिक हूँ यानी जो बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान रखेगा मैं उसके साथ वही सलूक और वही बर्ताव करूंगा अगर मेरे बारे में अच्छा गुमान रखता है तो मैं उसके गुमान को और उसकी चीजों को उसके जो जरूरियात हैं, उसको मैं पूरी करूँगा इसी तरीके से यह बात जहन में रखनी चाहिए जो हमें फायदा मिल रहा है कि ए वन का यह मामला तरक अमल नहीं है बल्कि जो शख्स अल्लाह तबारक वाल के बारे में जिस कदर हुसन गन का शिकार होगा उसी कदर बंदा अल्लाह तबारक वाला के बताए हुए तरीके और आमाल जो है उसको अदा करेगा उसकी मिसाल यह है कि एक किसान है वो जब जिस कदर ज़्यादा उम्मीद रखेगा अपने खेत से अच्छे गल्ले पैदा होने की जिस कदर ज्यादा उम्मीद रखेगा खेत से फायदे की उसी कदर उस खेत की ज्यादा खिदमत करेगा चाहे बीज डालने से पहले हो या बीज डालने के बाद हो कोई भी शख्स जिस कदर ज्यादा उम्मीद रखेगा उसी कदर उस बारे में वो ज्यादा मेहनत करेगा इसीलिए कहते हैं कि हसन वन जो है वो हुसन अमल का मतकाजी है यानी जो शख्स अल्लाह ताला के बारे में दर रखेगा उसी कदर अल्लाह तबारक वाल के लिए वो हसन अमल करेगा यानी अच्छा अमल अंजाम देगा इसी तरीके से इस हदीस से और इससे से हमें और आपको एक बहुत बड़ा फायदा जो मिलता है वो ये है कि दुआ की अहमियत और फजीलत यह चीज जिसे आज हमने छोड़ दिया है हालांकि दुआ की बड़ी अहमियत और फजीलत है और यह कि दुआ मसाइब को दूर करने का बड़ा अहम सबब और बड़ा अहम जरिया है अल्लाह तबारक वाला ने जहां मुसीबतों और परेशानियों के दूर करने के लिए बहुत से इसबाब रखे हैं बीमारी से शिफा के लिए बहुत से इसबाब रखे हैं अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए बहुत से असबाब रखे हैं उनमें से एक अहम सबब अल्लाह तबारक व तुआ को रखा है यानी बंदा अगर दुआ करे तो अल्लाह ताला बीमारी से शे, शिफा दे सकता है बंदा दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी जरूरियात को पूरी कर सकता है अल्लाह तबारक वाली का फरमान है व इधा इबादी अन्नी करीब यानी इससे मालूम यह हुआ कि अल्लाह ताला बंदों की दुआ कबूल करता है वह इबादी अन्नी करीब अगर मेरा बंदा आपसे यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे बारे में पूछता है कि आजा मैं उसके करीब हूं या उससे दूर हूं वो मुझे आहिस्ता पुकारे अपने दिल में पुकारे या आवाज से पुकारे तो आप कहिए कि फ करीब मैं उसके बहुत करीब हूँ जीबो दावत दाई दादान दुआ करने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ लिहाजा फल युनू भी मेरे फरमान के ऊपर अमल करें मेरे ऊपर ईमान ले आए ताकि वो लोग कामयाब हों तो दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है और दुआ मुसीबत और परेशानियों के जवाल का एक बड़ा अहम सबब है लेकिन साथियों बहुत जरूरी यह है कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने दुआ के जो आदाब बतलाए हैं दुआ के लिए अल्लाह ताला ने जो शरायत रखे हैं उन शर्तों को हम और आप पूरी करें उन आदाब को हम और आप बजा लाए चुनानचे उन्हीं आदाब में से एक अदब यह है कि अल्लाह तबारक वाल के साथ हम उसने वन रखें यानी हम ये दुआ करें तो अल्लाह ताला के बारे में यह हुसन के शिकार हो कि अल्लाह ताला हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा हम इस शक में ना हो कि पता नहीं हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं कबूल होती अगर हमें यह शक रहा तो अल्लाह ताला भी हमारे साथ यही बर्ताव करेगा इसी तरीके से दुआ करने का दूसरा अदब यह है और बड़ा अहम अदब यह है जिसमें हम अमूमी तौर पर फेल नजर आते हैं वो यह है कि दुआ करने में दुआ की कबूलियत के बारे में जल्दबाजी से काम ना ले यानी दुआ किया एक बार किया दो बार किया और यह समझे कि हाँ उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाएगी देखिए जिन चीजों का अल्लाह ताला से मुतालबा किया जाता है उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसका फौरन कबूल होना और फौरन यानी उसका हासिल हो जाना यह जरूरी होता है ऐसे मौके पर अल्लाह ताला बंदे की दुआ जल्दी कबूल करता है लेकिन अगर एक ऐसी चीज है अल्लाह ताला उसमें कोई मसलहत समझता है तो अल्लाह तबारक उसमें ताखीर से काम लेता है जिसकी मैं मिसाल देता हूं कि आप अपने बच्चे के लिए कोई चीज लेकर के आए हैं जाहिर बात है आप उसी के लिए लेकर के आए हैं लेकिन आप अपने बच्चे की जिद देखना चाहते हैं आपको पसंद है कि बच्चा जिद करके मांगे जरा सा उम्मीद रखे और पूछे अब्बू ले आए हैं कि नहीं ले आए हैं अम्मी हमारे लिए आप ये चीज ले आई कि नहीं ले आई है आप कभी मजाक में इनकार भी करें और कहें लाए हैं कहां है वो दौड़ता उसको तलाश करने के लिए किस जेब में है कि वहां पर रखा है ये किस लिए इसलिए कि आपको पसंद है कि आप अपने बच्चे की इस अदा को देखें इसी तरीके से अल्लाह तबारक वाली चाहता है अपने बंदे की अदा को देखे कि मेरा बंदा किस अदा से मेरा बंदा किस इखलास से मेरा बंदा किस कदर गिड़गिड़ा करके अल्लाह तबारक वाली से दुआ मांगता है तो दुआ के बारे में जल्दी ना करना यह दुआ के आदाब में से है इसी तरीके से दुआ की कबूलियत या दुआ करने के आदाब में से एक अदब यह है कि बंदा हराम खाने से परहेज करे अल्लाह तबारक पाक है और पाक चीज़ को कबूल करता है अमल के लिहाज से को कबूल करता है कबूल करता है और अल्लाह तीयत के लिहाज से अल्लाह पाक चीज को कबूल करता है और जिस मुंह से जिस जुबान से जिस जिस्म से अल्लाह की इबादत की जा रही है अल्लाह तबारक तआला उस बंदे की इस जिस्म को और इस जुबान को भी अल्लाह ताला पाक देखना चाहता है इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाता है या यासूल कुल सालिहा ऐ रसूलो पाक रोजी खाओ और नेक अमल करो उसका मतलब यह है कि नेक अमल की कबूलियत में पाक रोजी का बहुत बड़ा दखल है अलाक हाल दुआ के बहुत से आदाब हैं जिसका ये मौका नहीं है चंद चीज़ों की तरफ हमने इशारा किया उनमें से एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई शक चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो तो अल्लाह तबारक वाली की जो नाफरमानी के काम हैं बंदे को उससे परहेज करना चाहिए इसी तरीके से एक और नुकता जहन में रखें और इस हदीत से जो एक बड़ा फ़ायदा हासिल हो रहा है उस पर गौर करें कि जिस तरीके से आज चक्कियाँ हैं तंदूर है और उसमें रोटी पकाने का रवाज है यह कोई नई चीज नहीं है ये कदीम जमाने से ये चीजें चली आ रही हैं और अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदों को ये तरीका सिखलाया है जो अल्लाह तबारक तआला की रुबूबियत का एक मजहर है इसलिए कि यह वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से मालूम नहीं कितने साल पहले रहा होगा आज से दो हजार साल पहले है एक हजार आठ सौ साल पहले है या कितना पहले अल्लाह तबारक तआला बेहतर जानता है लेकिन उस वक्त भी चक्की का और तंदूर वगैरह का रवाज रहा है इसी तरीके से एक बड़ी अहम चीज है इसके ऊपर गौर करें अगर अल्लाह तबारक तआला को जो कुछ मंजूर होता है वो हो करके रहता है और लोगों की ख्वाहिश इस बारे में रुकावट नहीं बनती अकीदे के तौर पर एक मोमिन को अपने जहन में रखना चाहिए यानी अल्लाह तबारक वाल को जिस चीज का होना या ना होना या अगर हुई है तो उसका खत्म होना मंजूर हुआ करता है तो अल्लाह तबारक वताला का ये करना हो करके रहता है दुनिया की कोई तदबीर उसको टाल नहीं सकती मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक वाल को मंजूर नहीं था हालांकि इसमें लोगों का फायदा था मंजूर नहीं था कि वो आटा बराबर निकलता रहे अगर ये निकलता रहे

तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं चंद खजूरें लेकर के आया इसलिए कि मैं इल्म हासिल करने में मशगूल रहा करता था और हमें रोजी हासिल करने का कोई खास मौका नहीं मिलता था इसलिए चंद खजूरें लेकर के आया और हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्द किया कि अरे अल्लाह के रसूल वसल्लम इन खजूरों में बरकत के लिए आप दुआ कर दीजिए चुनान चे आप ने उन खजूरों को अपने पास वार लिया और चिमटाया उसके बाद आपने उसमें बरकत की दुआ की और कहा कि इसे छुपा करके रखो इसको देखना नहीं जब भी तुम्हें जरूरत पड़े इसमें से हाथ डाल करके एक खजूर दो खजूर जो तुम्हारी जरूरत हो निकाल लिया करना चुनान अल्लाह बयान फरमाते हैं कि हालांकि वो चंद खजूरें थी वो मेरे पास रह गई और जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी भूख लगती थी मैं उसमें से निकाल करके खा लेता था लेकिन साथियों जब अल्लाह तबारक तआला को मंजूर हुआ कि इस चीज को अब खत्म होना चाहिए तो हते अबू अबूर बयान फरमाते हैं कि जिन दिनों में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह की शहादत हुई उन दिनों में वो तो हमसे गायब हुआ और फिर हमको नहीं मिल सका यहीं से मुझे वो हदीस भी याद आती है जिसे हजरत उस्मान गनी रजी नकल करते हैं और उनसे उनके बेटे अबान नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर सुबह को और शाम को तीन बार ये दुआ पढ़ लेगा बिस्मिल्लासम ही शेदी वालाफिसमीआलीम तो उसे कोई बीमारी लाइक नहीं होगी चुनानचे जब अबान रहमहुल्लाह ने इस हदीस को बयान किया तो उनके जिस शागिर्द ने उनसे इस हदीस को सुना था वो ये देखने लगे कि ये तो एक हदीस बयान कर रहे हैं कि जो शख्स सुबह को और शाम को यह दुआ पढ़ लेगा उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी लेकिन हजरत खुद हैं, इन्हें फालिज का असर हुआ है तो आखिर इस दुआ के पढ़ने का फायदा क्या हुआ नज़बिल लेकिन अबान इबिन ऊस्मान रजील महसूस कर लिया कि वो तजुब की नजर से देख रहे हैं इसलिए कहते हैं कि बेटा नब ये करीम सल्ला वम का फरमान सच है मुझसे मेरे वालद ने सच बयान किया है लेकिन हकीकत यह कि जिस दिन का ये वाकया है उस दिन मैं इस दुआ को पढ़ना भूल गया था और जब मैं भूल गया था तो उसी वक्त मेरे ऊपर ये फालिज का अटैक हुआ तो मैं ये कहना चाहता था कि मोमिन होने के नाते हमारा आपका यह अकीदा होना चाहिए कि जिस चीज का होना या ना होना अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर होता है वो चीज या तो हो करके रहती है या ना हो करके रहती है दुनिया की कोई हिकमत कोई तदबीर और कोई ताकत उसको होने से या ना होने से रोक नहीं सकती इसी तरीके से एक बड़ा अहम फायदा जो हमारे बहनों के लिए और हमारे भाइयों के लिए है वो ये है कि नेक बीवी की अहमियत और फजीलत वो बीवी जो दीन के काम पर उभारे वो बीवी जो दीन के काम पर हमारी मदद करे ये अल्लाह तबारक तआला की बहुत बड़ी नेमत है जिस तरीके से इस शख्स को गरीब था नेक बीवी मिली हुई थी रोजी के लिए उससे लड़ाई नहीं करती थी घर में आज ये नहीं है तुम्हारे यहां जब से आए हूं मुझे कोई खैर नहीं मिली है भूख में परेशानी हमारी जिंदगी गुजर रही है ऐसी कोई बात नहीं जिस हाल में थी वो सब्र और शुक्र से काम लेती थी तो नेक बीवी अल्लाह तबारक वाली की बड़ी रहमत हुआ करती है और अल्लाह तबारक वाली के काम पर और दीन के काम पर वो बंदे की मदद करती है तो अगर किसी को नेक बीवी हासिल होती है तो ये अल्लाह तबारक व ताल का बहुत फजल है इसीलिए तो नबी करीम सल वम पर जब यह आयत नादिल हुई कि जो लोग सोना और चाँदी जमा करते हैं तो क्यामत के दिन ये सोना और चाँदी आग पर तपा करके उनके पेशानी को उनके को दागा जाएगा तो उस वक्त कराम ने अर्द किया के था यानी सबसे अच्छी चीज जो जमा करने की है वो ये है कि तुझे जो दिल मिले वो शुक्रगुजार हो तेरी जुबान से अल्लाह तबारक वाल का जिक्र अदा होता रहे और तेरी जो जीवन साथी है जो घर की साथी है वो ऐसी मिले कि आखरत के मामलात में तेरी मदद करे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक वाली हमें अपने जिक्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए आज की मलजिस यहीं पर रुकती है आइंदा एक नए क़िस्से के साथ आपसे मुलाकात करेंगे तब तक के लिए आपसे इजाज़त है व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें